यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे गुड़ मूँगफली चिक्की। सर्दियों में गुड़ मूँगफली चिक्की खाने का अपना ही एक मज़ा है। इसे आप घर में भी बिल्कुल बाजार जैसी कड़क बना सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए हम गुड़ मूँगफली चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूँगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने गैस के ऊपर पैन रखा है, उसमें मूँगफली के दाने डाल देंगे और इन्हें चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमारी मूँगफली के दाने रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम किचन टॉवल पर ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम किचन टॉवल से ही रब करके इसका छिलका इससे अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमें इस तरह मूँगफली को रब करना है, इससे आसानी से छिलका उतर आएगा। मूँगफली से छिलका उतर चुका है, अब हम छिलका और मूँगफली अलग अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने छिलके बिल्कुल अलग कर दिए हैं। अब हम गैस के ऊपर फिर से पैन रखेंगे और उसमें गुड़ डालेंगे। मैंने गुड़ को पहले ही बारीक तोड़ लिया था, अब हम चलाते हुए इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है वरना गुड़ जल जाएगा। मेल्ट हो चुका है, अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसी बीच हम इसके अंदर 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। बेकिंग सोडा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी गज्जक बनकर तैयार होगी। लेकिन इसे हमें टोटल 4 से 5 मिनट ही पकाना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। एक बाउल में पानी लेंगे और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स गुड़ की डालेंगे। ठंडा होने के बाद इसे तोड़कर देखेंगे, अगर ये कड़क करके टूटती है तो इसका मतलब हमारा ये गुड़ तैयार है। आप देख सकते हैं कड़क करके टूट रही है। अगर लचीलापन हो तो उसे आप 1 मिनट और पकाएं। इस टाइम पर हम गैस बंद कर देंगे और इसके अंदर मूँगफली के दाने मिला देंगे। इन्हें हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम एक ग्रीस की हुई परात का मैंने बैक साइड लिया है, उसके ऊपर इस मिक्सर को डाल दिया और बेलन को भी ग्रीस कर लिया। अब इस बेलन की सहायता से इसको फैला लेंगे। गज्जक का साइज़ मोटा या पतला आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी इसके ऊपर थोड़ा मार्क लगा देंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडे होने पर इस पर मार्क लगा देंगे। जिस शेप में आप काटना चाहें उसी शेप में मार्क लगा दें। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इस पर मार्क नहीं लगेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारी गज्जक ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको इससे अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इससे अलग हो रही है। मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। हमारी ये गुड़ मूँगफली की गज्जक बनकर तैयार है। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी ये गुड़ मूँगफली चिक्की बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।